हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया डिकोड। सॉरी, मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़े से बिजी हो गई थी। मैं घूमने चली गई थी। एक्चुअली मैं पूरी गई थी घूमने। पूरी बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आपको भी टाइम मिले तो आप भी जा सकते हैं। वहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशन भी है और न्यू ट्रेडिशन भी है, तो इसीलिए काफ़ी टाइम से मैं बिजी थी तो मैं वीडियो डाल नहीं सकी, उसके लिए सॉरी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा होममेड पैक लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियाँ में जो होता है, स्किन जो हमारी होती है बहुत डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है और रुखी रुखी सी मतलब हो जाती है, स्किन डल दिखाई देने लगता है। इसीलिए हमें सर्दियों में क्या करना होता है कि स्किन को सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारी स्किन काली ना पड़ सके। मेरे साथ खुद हो चुका है क्योंकि मैं ट्रेवल में थी तो मेरी स्किन की हालत बहुत ही, स्किन की बैंड बची हुई थी। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं भी होममेड पैक लगा रही हूँ तो चीज़ें कर करके थोड़ी सी ठीक हो रही है। एक्चुअली पूरी जो है वो पूरी में बीचेज है, वहाँ पे समुद्र है, समुद्र के पानी से स्किन पे टैन हो जाता है। और मेरी भी स्किन खराब हो गई थी लेकिन मैं घर की जो चीज़ें लगा लगा के मेरी भी स्किन ठीक हो गई है। मैं कभी भी आपके सामने आती हूँ तो बिना मेकअप के आती हूँ, इसलिए आती हूँ कि आपको भी एक्चुअल चीज़ें पता चल सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मार्केट की चीज़ें ही हमारे स्किन को बेनिफिट पहुँचाती है। मैं ये नहीं बोल रही एज कम्पेयर घर की चीज़ें और मतलब जो मार्केट की चीज़ें हैं, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप घर की चीजें लगाते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए होगा कि स्किन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और स्किन में एक नेचुरल ग्लो आएगा। नेचुरल ग्लो मतलब जो होता है वो मतलब आपको अलग से ही दिखता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो पैक है वो बिल्कुल घर का बना हुआ है, बिल्कुल किचन किचन की चीजों का, बाहर से कुछ भी आपको लेना नहीं है। तो चलिए हम साथ साथ बनाते हैं, जल्दी से आप रेडी हो। इसके लिए सबसे पहली जो चीज आपको लेनी होगी वो लेना होगा मलाई। उसके बाद इसमें 1 चम्मच आप बेसन डाल सकते हैं, थोड़ा सा। फिर 1 चम्मच चावल का आटा और थोड़ी सी इसमें आप शहद डाल सकते हैं, थोड़ी सी शहद डाल लीजिए। 1 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, आप पतंजलि का ले सकते हैं या घर का हो आपके घर पे हो तो उसका डाल सकते हैं। 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल डालना है इसमें और थोड़ी सी रोज वाटर डालनी है ताकि एक मिक्स अच्छे से पेस्ट बन सके। इन सबको मिला के आपको ऐसे एक स्मूथ सा पेस्ट बना के इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि पूरे अच्छे से अब मतलब मिक्स हो सके, अच्छे से एक पेस्ट बन सके। इसको ऐसे छोड़ने के बाद 2 मिनट बाद आपको अपने फेस पे लगाना है। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी कि इससे कितना रिजल्ट, कितना अच्छा रिजल्ट आता है। 10 10 से 12 मिनट हो गया है और ये लगभग सूख चुका है। अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। और मैंने लगा के ये फेस धो लिया है। अगर आपने भी लगाया है तो आप शीशे के सामने खड़े होके अपने फेस पे ग्लो देख सकते हैं कि 15 मिनट में कैसे आपके फेस पे ग्लो आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आज की रेमेडी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरा भी काम करते जाना, मेरे चैनल को फिर से याद दिला रही हूँ, सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना और ढेर सारा प्यार देते